गाना गाया कुछ दरबार में, 10 जन के लिए दरबार में गाना गाया, बस खत्म हो गया, सेल्फियां लेके चले गए। हाँ ऐसा तो है नहीं अभी, ऐसा तो है नहीं अभी, आपको रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठना पड़ता है ना। हाँ माइक्रोफोन ये क्या है? ये क्या है? अंडा है, देखा ये अंडा है। इसे क्या होता है मालूम है? ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है हर गाय को, मतलब हर गाय के सही। हाँ इसे, हाँ अगर यूं ऐसा रखा ना, आवाज बहुत फूल आती है। नहीं जो हवा जो है ना, हवा की जो आवाज है, हवा यूं आती रहेगी, हवा आती रहेगी, बाहर बाहर चली जाएगी हवा, है ना, बाहर चल जाएगी। बहुत जरूरी है जानना, बहुत ही। आप कहाँ कहाँ गए सुरभि के प्रोग्राम? आप देखे प्रोग्राम? हाँ पापा का भी हम लोग ने प्रोग्राम। आप कहाँ कहाँ गए वैसे शूटिंग करने? बहुत जगह गए, राजस्थान गए, राजस्थान गए, गुजरात, अमेरिका, अमेरिका नहीं गए लेकिन उसके दौरान नहीं, सुरभि के दौरान। तो घूमने बड़े लोग जाते, छोटे लोग नहीं। पिकनिक मनाने छोटे लोग नहीं जाते ना, बड़े लोग को मिलता है टिकट, लेकिन वहाँ बहुत महंगी महंगी चीज मिलती है। महंगी महंगी चीज मिलती है, वो सही बात है। हमने पढ़ाई के लिए गए, आप पढ़ाई के बचपन में पढ़ा, तो आप पढ़ाई करते हो? हाँ। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ना? हाँ हाँ, अभी पहले जमाने में कोई नहीं करता था ना। पहले जमाने में थी भी कितनी सारी सेल्फियां ये सब, अभी ऐसा नहीं है। अच्छा ये अच्छा, अब ये जो तुम बोल रहा था ना, तुम बात करोगी हमारे साथ? हाँ बात करेगा। हाँ तू बोल उसको, पहले पहले जब आए तो कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है, इसे बहुत ही अच्छा लगता है। तुझे कैसा मानू? आपको कैसा मानू? अच्छा लगता है, आपको कैसा मानू? अच्छा, लेकिन मैं मारपीट करती हूँ ना से, मैं बहुत मैं छोटी हूँ ना इसलिए मैं मार करती हूँ। कोई भी नहीं मानने लगी, तो इसके हाथ में चोट लग गई ना। क्या है मुझे तो समझ में नहीं आया, आप कुछ और पूछेंगे कुछ और बताइए। कैसे जैसे आप बताइए, क्या बोलना चाहिए अरशद भाई को, क्या बोलना चाहिए? यूं समझिए टेलीविजन में आए भाई बोलना चाहिए। ये तो बड़ा भाई है ना, तेरा सबसे फेवरेट ट्रक कौन सा है? सबसे फेवरेट ट्रक ललित, ललित और ठुमरी के अंदर से, ठुमरी के अंदर से आप क्या क्या है? कौन सा गाना था बता दे। जब तुम यहाँ पहली बार आया तो तुझे यहाँ कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस हुआ मुझे इधर। वो तो तुम पहले भी बता दिया, सब बुजुर्ग लोग बैठे हैं इधर, बोले कैसे? नहीं जैसे खुशी हुई या कुछ घबराहट हुई? देख पहली बार जब तू स्टेज के ऊपर गाया तो तुझे कैसा लगा? कुछ घबराहटीपन तो हुआ होगा? नहीं घबराहट तो नहीं हुआ, नहीं हुआ। सच 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 कुछ नहीं हुआ हा? तू कुछ लास्ट में कुछ गाएगा अपने लिए फटाफट? हाँ गाले 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 क्या ललित राग गाले, तेरी पसंद का है? पियो पियो रटा ता पपई यारा, पियो पियो रटा पपई यारा, उठारी कोयलिया कौन थे समोरे, पियो सो मिलन का पावे, पियो पियो रटा ता पपई यारा, चिंगारा चिंगारा तातुरा बोले, चिंगारा चिंगारा तातुरा बोले, मुर्गा बोले पाना बनाई के, मुर्गा बोले पाना बनाई।
आवान सुने मन रंग प्रीतम के मगन पाए सपा कर के जियरा पियो पियो राटा तप पै हरा इरे गम तनी रे घेरे तनी रे तनी तनी दम दम इरे गम तनी रे घेरे तनी रे तनी तनी दम दम कम मम घरे सा पियो पियो राटा तप पै हरा। अब उनके मामा से पूछी, छोटे वाले मामा से। हाँ जाइए, वो तो खड़े हैं, उनसे कुछ पूछिए। तो एक बात मैं बताना चाहूँगा कि एक तो हम लोगों का सबका जो ताल्लुक़ है वो किराना घराना से है, क्योंकि हमारे घराने में तीन चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हुई हैं, बीन, सरस्वती बीन, गाना और सारंगी। तो उस ज़माने में ऐसा होता था कि जिसका गला अच्छा होता था उसको गाना बताया जाता था, जिसका गला अच्छा नहीं होता था उसको बीन या सारंगी बतलाई जाती थी। तो बीन हमारे यहाँ से घराने का ताल्लुक किराना घराना से है, और हमारे सब लोग दादा परदादा सब लोग जितने हैं किराने घराने के रहने वाले थे, और बड़े अच्छे अच्छे मशहूर बीनकार सारंगी नवाब उस्ताद बंदेली खान साहब, उस्ताद गुलाम तकी खान साहब, खलीफा मोहम्मद जमा खान, खलीफा रमजानी खान, बड़े बहुत बड़े बड़े बीनकार हुए हैं। और गाने में उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब, उस्ताद अब्दुल वहीद खान साहब, उस्ताद इलाही बख्श खान साहब, शहाब खान साहब क्योंकि, और हुसैन अली खान हिंगारंग, सबरस गुलाम मौला खान साहब, ऐसे बड़े बड़े गवैये हुए हैं। सारंगी में मेरे वालिद उस्ताद शकूर खान साहब, मेरे दादा गफूर खान साहब, रहीम बख्श खान साहब जो कि हैदराबाद दरबार में मुलाजिम थे, और हैदर बख्श खान साहब फरिश्ते जो कि नवाब कलबल अली खान साहब के यहाँ थे, रहमान बख्श जी जो जयपुर महाराज के मुलाजिम थे सारंगी नवाज, उनके बेटे बशीर खान साहब और नियाजमत फयाजमत खान साहब सब मेरे अंकल हैं। तो हमारा घराना में तीन चीज़ें हुई हैं, बीन, सारंगी और गाना। जैसा कि मैंने बताया कि जिसका गला अच्छा होता तो उसको गाना बतलाया जाता था, और जिसका गला नहीं अच्छा होता तो उसको बीन या सारंगी बतलाई जाती थी। लेकिन बीन हमारे दादा ने मना कर दी थी कि भाई मेरे मरने के बाद में कोई बीन हमारे घराने से ना बजाए, बंदेली खान साहब ने, तो उसके बाद से बीन रोक दी गई नहीं, तो गाना और सारंगी रह गया है। तो बच्चों को जो हमारे यहाँ तालीम दी जाती है वो तो बहुत थोड़ी उम्र से उनको शुरू कर देते, क्यों तो क्योंकि एक तो गाने बजाने का हमारे माहौल जो है वो यही यही है, गाने बजाने का। हमारे चाचा, वालिद,
हमारे भाई इतने सब लोग गाने गाते हैं, कुछ बजाते हैं, इस तरीके से वो है, तो बच्चे को सुनने को मिलता है बचपन ही से। दूसरे फिर हम बहुत सारे बच्चों को दिलचस्पी, इंटरेस्ट जो दिलवाते हैं वो इस तरीके से दिलवाते हैं कि हर बच्चे का कुछ ना कुछ एक शौक़ होता है, किसी को कुछ चीज़ का शौक़ होता है, किसी को कुछ चीज़ का शौक़ है, तो फिर हम सोचते हैं कि इसको इस चीज़ का शौक़ है तो उसको इसका लालच देकर और इससे थोड़ी बहुत कुछ इसको चीज़ याद कराई जाए। जैसे कि हम कहते हैं, जैसे किसी को टॉफ़ी खाने का शौक़ है कि मुझे टॉफ़ी पसंद है, भाई ज़रूर हम तुम्हें टॉफ़ी खिलाएंगे, खूब खिलाएंगे, लेकिन पहले ये चीज़ हमें याद करके बतलाओ। तो बच्चे को एक लगन होती है तो वो सोचता है कि हाँ, अगर मैंने ये चीज़ याद करके सुनाई उसको, फिर मुझे ये खाने को मिलेगी। तो इस तरीके से हम उनको शौक़ एक डालते हैं, फिर धीरे धीरे करके पहले उनको हम शौक़ डालते हैं, फिर जब उसका मज़ा एक मिलने लगता है तो फिर वो ख़ुद उस काम को करने लगते हैं। ये एक चीज़ है। फिर खुदा के शुक्र से अरशद का क्या लालच अपने उसको कैसा, मतलब टॉफी का शौक़। अरशद का ज़रा केस एक दूसरा है। अरशद को वैसे भी कुदरती बात है, अल्लाह की तरफ से उसको शौक़ था गाने बजाने का, गाने का शौक़ उसको शुरू से खुद था। जब वो बहुत छोटे थे, तकरीबन 3-3.5 साल के थे, इतनी उम्र का बच्चा बहुत कम मैंने बच्चे इतने देखेंगे जो इतनी कम उम्र में गाना शुरू करते हैं। तो ये बहुत छोटे जब घुटनियों जब चलते थे तो इनको राग कामोद बताया था, काहे जाने ना दूंगी, तो उसको गाते थे। और लय का सेंस कुदरती बात है कि बहुत मजबूत लय का सेंस है। ये क्या करते थे कि वो खाने के जो एक ढकने जो होते हैं ना, छोटे छोटे कुल्फ़ी बोलते हैं उसे, टिफ़िन भी बोलते हैं उसके ढकने लेने के बाद में, एक साथ में लेने के बाद में उस पर चारपाई के नीचे घुस के उसमें काहे जाने ना दूंगी उस पर खुद ही बैठ के ठेका लगा के उसको खुद ही गाते थे। तो उसको कुदरती बात है कि वैसे भी शौक है गाने का, उसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन हाँ, कभी कभी घूमते फिरते जैसे गार्डन में, ये जैसे हमारे छोटे भाई मुबारक अली खां, वो गार्डन में घूमते हुए ये करते हैं कि भाई ये तुम करो, देखो मैं तुम्हें वो दिलवा के लाऊँगा, चॉकलेट दिलवाऊँगा, इसको याद करो। तो उसका इतना जहीन वैसे भी दिमाग का है वो, तो बहुत जल्दी चीज़ याद कर लेता है। और माशाल्लाह से अभी वो 70-72 रागों की चीज़ें तो उसको अभी याद हैं। हर ताल वो भी गाता है, झूमरा भी गाता है, एक ताल भी गाता है, एक ताला भी गाता है, दुरुत 3 ताल भी, जब रूपक आड़ा चौताला भी गाता है। तो इतनी उम्र वाला कोई बच्चा दूसरा मेरी नज़र में नहीं है कि जो इतनी कम उम्र में इतने राग और इतने कॉन्फिडेंस में बैठ के गाए और इतने ताल गाए। तो अभी तो धीरे धीरे मतलब इनको एक शौक़ है और रियाज इनको करवा रहे हैं। अभी तो मतलब एक सीढ़ी पे पांव रखा है, अभी तो बहुत मंजिल तय करनी है, आगे इनके साथ बहुत कुछ रियाज करना है, इनको सिखलाना है और अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह इनको कायम रखे जैसा है, आखिर तक अल्लाह इनको ऐसे रखे। और हमारे यहाँ सब ने तकरीबन इतनी उम्र से गाना बजाना शुरू किया, मैंने भी इतनी उम्र से शुरू किया। जी हाँ, संस्था से बिल्कुल ज़रूर फ़ायदा है, कि जो कि एक तो ये चीज़ है कि इतने अच्छे अच्छे यहाँ उस्ताद हैं, बहुत बड़े बड़े उस्ताद हैं, उनको भी सुनने को मिलता है, फिर अपने अपना भी समझने की कोशिश करते हैं कि भाई हम क्या करते हैं, ये क्या सुनने को मिल रहा है। तो एक रिसर्च करने का बहुत बेहतरीन एक मौका है जो कि पुराने ज़माने में नहीं मिलता था, ये चीज़ है। और सुविधा बहुत है यहाँ, सबसे बड़ी बात सीखने की, सुनने की, और जो काम मतलब और जगह रह के 10 साल या 15 साल में नहीं होता, वो यहाँ काम भी 5 साल में हो जाता है। क्योंकि रियाज करने के बाद में एक स्टेज की भी ज़रूर इंसान को पड़ती है, क्योंकि जो रियाज करता है किस लिए कि मैं लोगों को सुनाऊँ। तो यहाँ इतना अच्छा है एसआरए के अंदर कि यहाँ कॉन्फ्रेंसें हम लोगों की होती रहती हैं, तकरीबन सभी जगह हो जाती है, तो इतनी जल्दी चर्चा हो जाती है उसकी, अगर किसी के अंदर गट्स हैं कुछ गाने के, तो बहुत जल्दी उसकी चर्चा हो जाती है और बहुत जल्दी मशहूर भी हो जाता है। तो इस संस्था से हमें ये भी फ़ायदा, दूसरे बहुत ही किचलू साहब की तरफ से भी हम लोगों को बहुत ही मोहब्बत प्यार यहाँ से मिलता है, अपनी बिल्कुल औलाद की तरह वो हम लोगों को प्यार करते हैं। अरशद से ख़ास तौर से बहुत ही वो प्यार करते हैं, अपने बिल्कुल बच्चों की तरह, बहुत ही उसका दिल हाथों में अपने रखते हैं।
तो भी खुश रहता है क्योंकि बच्चे को मोहब्बत की भी ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। और जो बुज़ुर्गों में एक चीज़ होनी चाहिए कि अपने बच्चे तो खैर होते हैं लेकिन दूसरे को बच्चे को भी देख के खुश होना, तो किचलू साहब में एक बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये बहुत कम लोगों में होता है। बहुत ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि दूसरे के बच्चे गामा पदा नीदा गामा पदा नीदा गामा गामा मगरे मगरे गामा।